बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु तेउ राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। आयो रस राम नाम जे जपण जो कोरे तिन आहे कढ़ी कूड़ कपट जी कस। तिन खाओ तिन जो लोक परलोक में जुगा जुग थे दस। दियन सभिन के दस टेऊं से हरि जपण जो। टेऊं से हरि जपण जो। टेऊं से हरि जपण जो। जपियो जिन तहरी अठई पहर अंदर में आसा सब संसार जी। तिन जिया है हरी तेऊं सदा हरी। तिन जी दिल शुभ गुणन सा। तिन जी दिल शुभ गुणन सा। तिन जी दिल शुभ गुणन सा। जिनके आयो रस राम नाम जे जपण जो। जिनको उस रस की प्राप्ति हो गई ईश्वर नाम के जप से, वो फिर संसार की तरफ उसके मन की वृत्ति लगती नहीं। यह रस जावे तो वह रस आवे, वह रस आवे तो यह रस मूल न भावे। ईश्वर के नाम का रस अगर आ गया तो फिर संसार के विषयों का रस उसे अच्छा नहीं लगता। कोरे तिन आहे कढ़ी कूर कपट जी कस। उन्होंने अपने मन से झूठ कपट छल छिद्र का त्याग कर दिया। निर्मल मन उनका हो गया। तिन जो लोक परलोक में जुगा जुग थ्यो जस। उनकी यश कीर्ति लोक परलोक में प्रसिद्ध हो गई। जन सबन के दस टेऊं से हरि जपन जो। सबको नाम जपने का उपदेश वो संत महापुरुष देते हैं जिन्होंने उस रस को प्राप्त कर लिया। दूसरों को भी उस आनंद से सराबोर करने के लिए उनको भी यही उपदेश संत महापुरुष देते हैं। जप्यो जिन तहरी अठई पहर अंदर में। जिन्होंने आठों पहर प्रत्येक क्षण उस नाम का जप किया। आशा सब संसार जी तिन जी आए हरी। संसार की आशा उनकी हट गई दूर हो गई निवृत्त हो गई। टेऊं सदा हरी तिन जी दिल गुण शुभ गुणन सा। उनका हृदय हमेशा ही शुभ गुणों से भरपूर हो गया जिन्होंने उस प्रभु परमात्मा के प्रेम में मगन होकर उसके नाम का जप किया। अमरापुर बाणी पढ़ तू प्रेमी प्रेम सा। पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी।
भरल जह में भावजी रसवा रूहानी वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत आयो मानुष रूप में सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश उर मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश अंध तमस का दीप लौ जो करती है नाश अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश पंथ आपका अमर है और अमर है धाम ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम अमरापुर वाणी दो ब्रह्म दर्शनी जान कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षणी ब्रह्म अमृत वर्षणी अंतर दृष्टि उन्मेषणी सर्व व्याधि विनाशिनी भव पाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी हिंदी अमरापुर वाणी भजन ब्रह्म दर्शनी कवितावली छंदावली और दोहावली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ
इस श्रृंखला में किया जा रहा है, तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है, कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं, तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।